हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सबकी पसंदीदा आलू प्याज वाली कचौरी, जिसे बनाते समय मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कचौरियाँ बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट बनेगी। और यकीन मानिए, यदि आप पहली बार भी इन कचौरियों को बना रहे हैं तो आपकी कचौरियाँ 100% नो फेल होंगी। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। कचौरी के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने इस मेजरिंग कप से ये 3 कप मैदा ले लिया है। तो आप मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर सकते हैं मापने के लिए, या फिर कोई भी कटोरी ले सकते हैं। सारे मेजरमेंट्स हम इसी मेजरिंग कप से ले लेंगे। अब इसके अंदर आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल देते हैं। इसका फ्लेवर भी कचौरियों में अच्छा आता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। मैदे के अंदर थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। अजवाइन और नमक को मैदे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। यदि आप ये कचौरियाँ मैदे से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप 2 कप आटा और 1 कप सूजी का इस्तेमाल करके ये डो बना सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे मोइन। तो मैंने यहाँ पर आधा कप घी ले लिया है। घी यहाँ पर मैंने सिर्फ मेल्ट किया है। तो पहले हम 1/4 कप घी डाल देंगे इसके अंदर, बाकी 1/4 कप ज़रूरत के अनुसार हम बाद में लेंगे। जब भी आप मोइन के लिए घी या तेल का इस्तेमाल करें तो उसे गर्म करके इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि यदि आपने गर्म घी या तेल इसके अंदर डाल दिया तो जब डो को आप रेस्ट देंगे तो उसके ऊपर पपड़ी आ जाएगी। तो बस रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, चाहे आप तेल लें या फिर घी लें। घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मोइन के लिए मैंने घी का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जब हम तेल का मोइन डालते हैं तो जो कचौरियाँ बनती हैं उनके ऊपर बबल्स आ जाते हैं, और जब हम घी का मोइन डालते हैं तो कचौरियाँ ऊपर से प्लेन होती हैं, उन पर बिल्कुल भी बबल्स नहीं आते हैं, तो देखने में वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब घी को हमने मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जब मुट्ठी बांधकर हम देख रहे हैं तो ये देखिए, मुट्ठी तो बन रही है लेकिन हल्का इसमें क्रैक आ रहा है। तो कचौरियों को अच्छा खस्ता बनाने के लिए मोइन का परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बचा हुआ 1/4 कप घी भी हम इसमें डाल देते हैं और एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैदे के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें नमी आ गई है घी की वजह से, और अब हम जब मुट्ठी बांध रहे हैं तो मुट्ठी एकदम परफेक्ट बन रही है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। तो जिस मेजरिंग कप से हमने मैदा और घी लिया था उसी मेजरिंग कप से हम पानी ले लेते हैं, तो पानी का अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/4 कप कर करके मैंने इसमें पानी डाला है। मैदे को अच्छे से गूंधना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे मसल मसल कर 5-6 मिनट के लिए काफ़ी अच्छा चिकना बना लें। यदि कचौरी का आटा हमने अच्छे से लगाकर तैयार कर लिया तो कचौरियाँ बहुत ही खस्ता भी बनती हैं और देखने में भी वो बहुत सुंदर लगती हैं। तो ये सेमी सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है, और इतना आटा लगाने में हमने 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो अब इस डो को हम थोड़ा रेस्ट देंगे। तो 10-15 मिनट के लिए इसे ढककर रख देते हैं। तब तक हम एक छोटा पैन लेंगे और इसके अंदर कुछ खड़े मसालों को रोस्ट करेंगे। तो 1 टेबलस्पून हम लेंगे खड़ा धनिया, 1 छोटा चम्मच लेंगे सौंफ और 1 टेबलस्पून लेंगे जीरा। इन तीनों चीज़ों को लो फ्लेम पर हम रोस्ट कर लेंगे। तो ताज़ा खड़े मसाले इस्तेमाल करने से जो कचौरियाँ होती हैं उनका स्वाद काफ़ी बेहतर आता है। मसालों को हमने लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है, हल्की सी इसमें खुशबू आने लगी है। बहुत ज़्यादा इन्हें ओवर रोस्ट ना करें। मसालों को अच्छे से ठंडा करके इन्हें हम पीस लेंगे। तो इन्हें हमें थोड़ा दरदराई रखना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इनका ना बनाएं। तो ये मसाला बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर हम 1 से 2 टेबलस्पून तेल गर्म कर लेते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। तो हींग का फ्लेवर अच्छा आता है, आप पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और हींग जब थोड़े पक जाए तब जो खड़े मसाले हमने पीस के रखे थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि इन मसालों को हमने पहले ही रोस्ट कर लिया था तो बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं पकाना है। तो बस 5-6 सेकेंड के लिए हम इन्हें सौटे कर लेते हैं। कुछ सेकेंड पकाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं बारीक काट कर, साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे कद्दूकस करके लिया है। इन्हें भी कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। तो जितना तीखा आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब कुछ सेकंड इन्हें पकाने के बाद इसमें डालेंगे हम 3 मीडियम साइज के मोटे कटे हुए प्याज। अब प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। आप अपने मनपसंद की कोई भी स्टफिंग कचौरियों के लिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम आलू प्याज की कचौरी बना रहे हैं। आप चाहें तो मूंग दाल की स्टफिंग भी तैयार कर सकते हैं, उड़द दाल की स्टफिंग भी तैयार कर सकते हैं। कचौरियों में सारी स्टफिंग बहुत ही बेहतरीन लगती हैं। प्याज अच्छे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं तो गैस का फ्लेम लो रखते हुए अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। अब बेसन को भी प्याज के साथ हम रोस्ट कर लेते हैं। बेसन मिलाने से स्टफिंग का स्वाद भी बढ़ जाता है और दूसरा, यदि स्टफिंग में ज़्यादा नमी है तो बेसन उस नमी को अब्सॉर्ब कर लेता है। यदि स्टफिंग बनाने के बाद भी आपको लगे कि स्टफिंग में बहुत ज़्यादा नमी है तो आप अलग से बेसन को रोस्ट करके थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब बेसन भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है और रोस्ट भी हो गया है। तो इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे। तो मसालों में हम लेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच या अपने तीखेपन के हिसाब से लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, खट्टेपन के लिए हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच आमचूर का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे इसके अंदर। और अब मसालों को भी 10-12 सेकंड के लिए इनके अंदर रोस्ट कर लेते हैं तो ये भी अच्छे से पक जाएंगे। अब मसाले भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। तो 3 मीडियम साइज के ही मैंने आलू ले लिए हैं उबालकर, जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो बहुत बड़े चंक्स भी आलू के नहीं रहने चाहिए, नहीं तो कचौरी में स्टफिंग करते समय परेशानी आएगी। तो इसे कद्दूकस से कद्दूकस कर लें। तो अभी तक हमने स्टफिंग में नमक नहीं डाला है तो स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं। और सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए 1 छोटा चम्मच इसके अंदर पीसी हुई चीनी डालेंगे। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच टाटा संपन्न का गरम मसाला, जो शेफ संजीव कपूर द्वारा खास तौर पर तैयार की गई एक रेसिपी से बनता है। यदि आपके पास धनिया पत्ती अवेलेबल हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर तैयार है। स्टफिंग को हम एक बड़े बर्तन में फैला लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। स्टफिंग को मैंने थाली में फैलाकर थोड़ा ठंडा कर लिया है और अब इस स्टफिंग से इस तरह हम छोटी छोटी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। आप बड़ी छोटी जिस तरह की कचौरियाँ बनाना चाहते हैं ये बॉल भी उस साइज की बना लें। इस तरह से स्टफिंग की बॉल बना लेने से क्या होगा कि स्टफिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी और दूसरा, जब हम डोलेंगे तो वो भी इन्हीं बॉल की साइज का ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि मैदा कचौरियों के अंदर ज़्यादा हो जाएगा और स्टफिंग कम हो जाएगी। तो ये मैंने स्टफिंग की सारी बॉल बनाकर तैयार कर ली हैं और अब हम मैदा ले लेते हैं। तो जब तक हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की है मैदा भी रेस्ट ले चुका है। तो अब इस डो को 1-2 मिनट के लिए इस तरह मसलते हुए चिकना बना लेते हैं। तो डो को रेस्ट कराने के बाद एक बार फिर से इसे थोड़ा सा गूंद लें। अब इसे हम छोटी छोटी बॉल तोड़ लेंगे, यानी जिस साइज की हमने स्टफिंग की बॉल बनाई थी उस साइज की हम ये बॉल बना लेंगे। अब बॉल लेकर इस तरह हथेलियों के बीच घुमाएंगे और जब आप हथेलियों में इसे घुमाएं तो देखें कि बिल्कुल भी क्रैक ना आए इसके ऊपर। इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं और फिर अंगूठे की सहायता से इसमें बीच में जगह करते हुए इसे फैला लेते हैं। बीच में थोड़ी जगह करने के बाद जो स्टफिंग की बॉल हमने बनाई थी वो इसके बीचों बीच रख देते हैं। और अब इस डो को हम इस तरह ऊपर खींचते हुए ले आएंगे। तो देखिए, हम अंगूठे से स्टफिंग को नीचे की ओर प्रेस करेंगे और अंगुलियों से जो मैदा है उसको ऊपर की ओर लाएंगे। तो बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। अब क्योंकि हमने मैदा की बॉल और जो स्टफिंग की बॉल थी वो इक्वल ली थी तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मैदा आपको इसके ऊपर नहीं मिलेगा, तो हमें हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसे गोल करके इस तरह हथेलियों के बीच में ही हम फ्लैट कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम हाथ में लेकर कचौरी को शेप देते हैं तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आते हैं, कचौरी तेल में फ्राई होते समय बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, कुछ कचौरियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं और इन कचौरियों को पहले हम फ्राई होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक ये फ्राई होंगी हम बाकी सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब कचौरियों को फ्राई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो है तेल का टेम्परेचर। जब भी आप कचौरियों को तलें तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बस तेल को आप चढ़ा दें, गैस का फ्लेम लो रखें और जब तेल में हल्की सी हीट आने लगे, यानी जब आप कचौरियों को इस तरह से डालें तो देखिए बिल्कुल भी इनमें बबल्स नहीं आ रहे हैं, उस तरह का तेल का टेम्परेचर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे तेल गर्म होता जाएगा, कचौरियाँ भी उनके साथ ही पकती जाएंगी। तो इससे कचौरियों के अंदर बहुत ही अच्छा खस्तापन आएगा।
शुरुआत में कचौरियाँ नीचे पैंदे में बैठ जाती हैं और जैसे जैसे ये धीरे धीरे डीप फ्राई होंगी अपने आप ही तैर कर ऊपर आती जाएंगी क्योंकि ये हल्की हो जाती हैं। तो अभी तक हमने इनको बिल्कुल नहीं हिलाया है और अब देखिए इनका जो कलर है वो कितना अच्छा आ गया है, थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। अभी तक हमने कचौरियों को बिल्कुल नहीं पलटा है, ये अपने आप से ही फ्राई हो रही हैं। और अब जैसे हलवाई करते हैं इस तरह से कचौरियों के ऊपर कलछे चलाते रहते हैं तो जो ऊपर की लेयर होती है वो नीचे ही डूब जाती है, तो उससे ये भी फ्राई हो जाते हैं और नीचे की लेयर तो फ्राई होती ही रहती है। और दूसरा इसका कारण ये होता है कि जो तेल का टेम्परेचर होता है वो बढ़ता नहीं है इस तरह तेल को हिलाते रहने से, तो इससे कचौरियाँ भी धीरे धीरे फ्राई होती हैं तो काफ़ी खस्ता बनती हैं और बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती हैं। तो ये देखिए मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ, ये नीचे से भी इवनली फ्राई भी है, जैसा कलर ऊपर से है वैसा ही कलर इसका नीचे से है। तो कचौरियों में अच्छा सा लाल कलर आ गया है, बहुत ही अच्छी लग रही हैं ये देखने में। तो इन कचौरियों को हम निकाल लेते हैं और जब तक मैंने वो तीन कचौरियाँ फ्राई की मैंने बाकी सारी कचौरियाँ भी बनाकर तैयार कर ली हैं और इन्हें भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो आप एक साथ काफ़ी सारी कचौरियाँ बनाकर एक साथ ही कढ़ाई में तल सकते हैं। तो इन कचौरियों को भी फ्राई करके हम प्लेट में निकाल लेते हैं, अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो कचौरी देखने में आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही अच्छी लग रही हैं, थोड़ी सी मैंने मिर्च भी फ्राई कर ली है जो कचौरी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब ये एक कचौरी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी खस्ता बनी है और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी है और आप देख सकते हैं ऊपर की जो मैदे की लेयर होती है वो एकदम पतली है, स्टफिंग काफ़ी अच्छे से इसके अंदर भरी हुई है। तो दोस्तों यदि इन कचौरियों को देखकर आपके मुँह से निकले वाव तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाओ। अब आप भी जल्दी से ये खस्ता कचौरियाँ बनाएं और अपने परिवार के साथ इनका मज़ा उठाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए हंसाते रहिए।